हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक रियल जानकारी में। फ्रेंड्स, अगर आप एक स्टूडेंट है और आपको स्कॉलरशिप मिलती है और आप अपने स्कॉलरशिप का स्टेटस अपने मोबाइल से चेक करना चाहते हैं कि आपका स्कॉलरशिप जो है आपके खाते में क्रेडिट हुआ है या फिर जो अभी तक नहीं हुआ है, और फ्रेंड्स आपके पास अगर जो है एप्लीकेशन नंबर नहीं है या फिर जो है SSO ID और पासवर्ड भी नहीं है, तो भी जो है आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है जन सूचना पोर्टल राजस्थान। ये टाइप करके आप इसे सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने फर्स्ट में जो वेबसाइट आएगी उसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नीचे की ओर जाना है और यहाँ पर जो है 18 नंबर पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, सामाजिक सुरक्षा छात्रवृत्ति। तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है स्वयं की छात्रवृत्ति की सूचना प्राप्त करें। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है नेक्स्ट पेज आएगा, उसमें आपको जो है अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना पड़ेगा या फिर जो आप आधार कार्ड नंबर से भी चेक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपके पास जो है कोई भी एप्लीकेशन नंबर नहीं है या फिर जो आधार नंबर भी नहीं है अभी, तो आप किस तरह से चेक करेंगे, इसके लिए आपको बैक जाना है वापस। और यहाँ पर जो है सेकेंड वाला ऑप्शन है अपने क्षेत्र के छात्रवृत्ति के लाभार्थियों के बारे में जानिए, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको ईयर सेलेक्ट करना है, आपको कौन से वर्ष की छात्रवृत्ति चेक करनी है, तो यहाँ पर जो है आप अपना वर्ष सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद खोजे पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ST, SC, OBC जो भी आपकी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मोर डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपके सामने आपके जो है राजस्थान के सभी जिले आ जाएंगे, तो यहाँ से आपका जो भी जिला है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी जिला है उसके सामने आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मोर डिटेल्स का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा, इसमें आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। अब फ्रेंड्स, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ऊपर वाले ब्लॉक जो दिए गए उनमें से सेलेक्ट करेंगे और ब्लॉक के सामने आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मोर डिटेल्स का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट पेज आएगा, इसमें हमें जो है अपनी पंचायत सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपका जो भी पंचायत है उसके सामने ही आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा, उसमें आपका जो है गांव का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो भी गांव है उसके सामने आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोर डिटेल्स का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके गांव में जो है जितने स्टूडेंट के स्कॉलरशिप आई है उन सभी का विवरण यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर वेट करते थोड़ी देर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस गाँव में जो कितने स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है और कितने मिली है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन आई आ जाएगी, डेट ऑफ अप्लाइड यानी कितने तारीख को स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा था, और यहाँ पर जो है कॉलेज का नाम आ जाएगा और कोर्स कौन सा है और कितनी स्कॉलरशिप जो है इनके खाते में क्रेडिट हुई है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, और कितने तारीख को जो खाते में जमा हुई वो यहाँ पर आपको इसका विवरण मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप किसी का भी स्कॉलरशिप जो है अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन नंबर के। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।